तो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिस डिवाइस के बारे में बात करने वाले हैं वो है मोटोरोला की तरफ से आने वाला मोटो एज 30, जो कि आपको 5G की कनेक्टिविटी के साथ देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी डिवाइस में PUBG BGMI का एक गेमिंग टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि हमें इस डिवाइस में बाई डिफ़ॉल्ट PUBG BGMI में क्या ग्राफिक सेटिंग देखने के लिए मिल जाती है। इसके साथ ही दोस्तों, हम इस डिवाइस की परफॉर्मेंस के ऊपर भी नज़र डालेंगे और देखेंगे कि हमें इस डिवाइस में गेमिंग करते समय क्या परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाएगी। अगर हम इस डिवाइस की परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो इस डिवाइस में आपको इंडिया का फर्स्ट कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 778G प्लस का 5G प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि 6 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर काम करता है। इसके साथ ही दोस्तों, दूसरी तरफ अगर हम इस डिवाइस की बैटरी के बारे में बात करें तो इस डिवाइस में आपको 4020mAh की बैटरी देखने के लिए मिल जाएगी, जिसके साथ आपको 33W की फास्ट चार्जिंग स्पॉट देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, साथ ही अगर आप इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो चैनल को जात से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो चैनल के ऊपर अपलोड करता रहता हूं। उसके साथ ही दोस्तों, इस डिवाइस के रिकॉर्डिंग आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उस सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इस डिवाइस में बाई डिफ़ॉल्ट PUBG BGMI में ग्राफिक सेटिंग देख लेते हैं कि हमें इस डिवाइस में इस प्रोसेसर के साथ ग्राफिक में क्या सेटिंग देखने के लिए मिल जाती है। तो उसके लिए सबसे पहले हम जहां जाएंगे सीधा सेटिंग में, सेटिंग में जाने के बाद हम जाएंगे सीधा ग्राफिक्स में। तो दोस्तों, यहां पर अगर मैं स्मूथ की बात करूं तो स्मूथ में आपको इस डिवाइस में बाई डिफ़ॉल्ट एक्सट्रीम यानी कि 60fps के ऑप्शन देखने के लिए मिल जाती है। हमें इसमें फ़िलहाल के लिए कोई भी स्मूथ में 90fps ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलती। आई होप कि आगे चलकर हमें इस डिवाइस में सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ स्मूथ में 90fps ऑप्शन देखने के लिए मिल जाए। तो इसके साथ ही दोस्तों, अगर मैं बैलेंस की बात करूं तो बैलेंस में हमें अल्ट्रा, HD में हमें अल्ट्रा, HDR में हमें अल्ट्रा। तो इसके साथ ही दोस्तों, अगर मैं अल्ट्रा HD के बारे में बात करूं तो अल्ट्रा HD अभी तक इस डिवाइस में अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब साफ है कि आप इस डिवाइस में स्मूथ में 60fps और बैलेंस HD और HDR में 40fps रखकर गेम प्ले कर सकते हो। आपको इस डिवाइस में कोई भी दिक्कत परेशानी देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इस डिवाइस में स्मूथ प्लस एक्सट्रीम में एक कलरफुल में मैच स्टार्ट करके देख लेते हैं कि हमें इस डिवाइस में गेमिंग करते समय क्या परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाती है। हमें इस डिवाइस में गेमिंग करते समय कोई लैग इशू, कोई हीटिंग इशू या कोई फ्रेम ड्रॉप जैसे मेजर इशू देखने के लिए मिलते हैं या नहीं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले एक मैच स्टार्ट करके देख लेते हैं।
घुस रहा हूँ हेल्थ। तो देख पहले हेल्थ देख के बात कर। की किन बितुई? Watch out! Marked a location. Awesome. Thanks. Marked a location. Marked a location. Marked a location.